महात्मा। लाखों श्रद्धालु आस्था के पथ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। पंचकोशी परिक्रमा अयोध्या की 15 किलोमीटर की परिधि में संपन्न हुई। अयोध्या में देवोत्तमी एकादशी पर लाखों श्रद्धालुओं ने पंचकोशी परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा के मुहूर्त 9:45 पर श्रद्धालुओं ने अयोध्या के 15 किलोमीटर की परिधि में जगह जगह शुरू की। वहीं परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं की यही मनोकामना है कि जब अगली बार परिक्रमा करने आए तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका हो। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने वहीं इसी दौरान उनके समर्थन में भी उनके साथ रहे। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए पंचकोशी परिक्रमा की निगरानी ड्रोन कैमरे से शुरू की जा रही है। अयोध्या विवाद का फैसला आने वाला है, जिसको लेकर अयोध्या में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पंचकोशी परिक्रमा के बाद 12 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान होगा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। अयोध्या में जाता एक मंदिर का भ्रमण करता है, परिक्रमा करता है, और आज के करने से पूरे मंदिरों का परिक्रमा अयोध्या के हो जाता है, यही मान्यता है। इसीलिए लोग परिक्रमा करके आत्मसंतोष भी करते हैं, पुण्य भी कमाते हैं, सुकून भी उनको मन में मिलता है, व्रत भी है। एकादशी व्रत हम रहते हैं और निराजल करते हैं, करने के बाद ही हम पानी पीते हैं। मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, लगता है कि हाँ हम भगवान के प्रति कुछ आस्था रखते हैं। परिक्रमा है, इसलिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज अयोध्या धाम की पंचकोशी परिक्रमा है और इसका समय था 9:45 पर, लेकिन श्रद्धालुओं में असीम उत्साह है और सुबह 5 बजे से ही हजारों तीर्थयात्री श्रद्धालु परिक्रमा उठा लिए हैं। और मैं देख रहा हूँ इसी तरह 14 कोसी में भी इतना उत्साह था जो लोग बाहर से आए हुए थे कि इस बार बहुत ज़बरदस्त भीड़ भी थी। 15 से 20 लाख श्रद्धालु रहे 14 कोसी परिक्रमा में। और इसमें साथ साथ हमारे जो जन भागीदारी, जो समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वो जगह जगह कैंप लगाकर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं, चाय का, पानी का, जलपान का, प्रसाद का, भोजन प्रसाद का, दवाओं का, सेवा का। ये सब इस बात का द्योतक है कि इस बार लोगों में एक विशेष उत्साह है। और आज भी मैं देख रहा हूँ पंचकोशी परिक्रमा में भी कि सुबह से भीड़े, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, वृद्ध, 80 साल के वृद्ध भी परिक्रमा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रभु राम के प्रति उनका समर्पण है, राम के प्रति। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने अयोध्या की जो एक प्रमुख गरिमा थी, उसका जो वैभव था, उसका जो गौरव था, उसका जो सांस्कृतिक धार्मिक स्वरूप था, और पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर दीपोत्सव से लेकर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। परिक्रमा नाहन भी आने वाला है और जल्दी सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय का फैसला भी आएगा, तो इसी को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। अच्छा विधायक जी, तमाम अफवाहें भी उड़ रही हैं फैसले को लेकर, लोग आशंकित भी हैं, तो ऐसे में आम लोगों को सौहार्द के लिए क्या आप संदेश देना? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश में 2.5 साल की सरकार और केंद्र में 5 साल पूरे हुए, 100 दिन ये हो गए, 3 महीने, अभी तक कोई इस तरह का ना दंगा हुआ है, ना सांप्रदायिक तनाव हुआ है, और बहुत शांति के साथ सब लोग मिलजुल कर हम लोग रह रहे हैं। अयोध्या में भी यहाँ पर इस तरह का कोई वातावरण नहीं है और बहुत शांति के साथ लोग स्वीकार करेंगे। दोनों पक्ष, जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा, निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कहीं तनाव की कोई स्थिति बनने वाली है और अच्छा वातावरण रहेगा। मिलजुल कर जो भी है निर्णय का सब लोग स्वागत करेंगे।